नमस्कार दोस्तों, मैं गोपेश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे गॉलस्टोन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, गॉलस्टोन में जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि गॉलस्टोन होता क्या है, ठीक है। तो इसे कोली लिथियासिस के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही क्या है ये, व्हाट इज़ कोली लिथियासिस, ठीक। तो देखिए, इसमें बताया गया है कैलकुलस और स्टोन इन गॉल ब्लेडर, ठीक है। क्या है, कैलकुलस और स्टोन इन गॉल ब्लेडर इज नोन एज कोली लिथियासिस। इट इंक्रीज विथ एज एंड इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कोली लिथियासिस यानी कि गॉल स्टोन क्या होता है, तो ये कैलकुलस या स्टोन होता है कहाँ पर, गॉल स्टोन में होता, अरे गॉल ब्लेडर में होता है, ठीक है। स्टोन कहाँ पे होता है, गॉल ब्लेडर में होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोली लिथियासिस कहते हैं। और ये बढ़ता जाता है, ये इंक्रीज़ होता जाता है एज के साथ, और ये मोर कॉमन इन फीमेल, मतलब कि महिलाओं में ये ज़्यादा कॉमन होता है देन मेल, और ये तीन गुना ज़्यादा ये महिलाओं में यानी कि फीमेल्स में पाया जाता है। फिर देखिए बताया गया है, गॉल स्टोन आर स्मॉल हार्ड डिपॉजिट्स दैट फॉर्म इन गॉल ब्लेडर, ठीक है। गॉल स्टोन क्या होता है, एक स्मॉल हार्ड डिपॉजिट होता है जो कहाँ पाया जाता है, गॉल ब्लेडर में पाया जाता है। ए स्मॉल ऑर्गन लोकेटेड अंडर द लीवर दैट स्टोर बाइल, मतलब कि गॉल ब्लेडर क्या होता है, एक आपका क्या होता है, ऑर्गन होता है जो कहाँ पे लोकेटेड होता है, लीवर के अंडर में होता है, और जो क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। यही आपका क्या हो गया, गॉल ब्लेडर हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया गॉल ब्लेडर क्या होता है और गॉल स्टोन क्या होता है। तो गॉल स्टोन यानी कि वह स्टोन जो कहाँ पे रहता है, या तो वह कैलकुलस जो कहाँ पे रहता है, गॉल ब्लेडर में रहता है, वही आपका क्या कहलाता है, कोली लिथियासिस कहलाता है। और इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू एज के साथ, ये बढ़ता जाता है और महिलाओं में ये मोर कॉमन होता है। डायग्राम में देखिए दिख रहा होगा, ठीक है। डायग्राम में ये रहा आपका, इसी में देखिए ये लीवर हो गया, ठीक है। लीवर के अंडर में नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे है जो गॉल ब्लेडर है ये, ठीक है। क्या है ये, गॉल ब्लेडर। तो यही आपका है, इसके अंदर देखिए छोटे छोटे जो हैं वही क्या है, गॉल स्टोन्स हैं, ठीक है। वही इसमें बताया गया है गॉल स्टोन में, ठीक है। ये आपका लीवर हो गया, लीवर के अंडर में एक ऑर्गन होता है जिसे क्या कहते हैं, गॉल ब्लेडर कहते हैं, ठीक है। और इसी गॉल ब्लेडर में क्या होता है, स्टोन होता है। यही आपका क्या हो गया, गॉल स्टोन हो गया, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ गॉल स्टोन, ठीक है। यानी कि गॉल स्टोन जो होता है, यानी गॉल ब्लेडर में जो स्टोन होता है, पथरी होती है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो इसमें मेजर एलिमेंट्स आर, तो यानी कि कौन कौन से इसमें मेजर एलिमेंट होते हैं गॉल ब्लेडर के स्टोन को बनाने में। तो इसमें देखिए है कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोनेट, ठीक है। इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या होता है, गॉल स्टोन बना हुआ है, ठीक है। तो यही क्या हो गया, कॉम्पोजिशन ऑफ गॉल स्टोन। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, टाइप ऑफ गॉल स्टोन, ठीक है। आप आगे पूछा जाता है कि गॉल स्टोन के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकार में बताया जाए तो गॉल स्टोन के तीन प्रकार बताए गए हैं। एक होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ठीक है। एक होता है आपका मिक्स्ड स्टोन, और एक होता है आपका पिगमेंट स्टोन, ठीक है। तो देखिए यही यहाँ पर बताया गया है, ये तीन टाइप का होता है, थ्री टाइप ऑफ गॉल स्टोन। कौन सा है, पहला कोलेस्ट्रॉल, दूसरा पिगमेंट स्टोन, और तीसरा क्या है, मिक्स्ड स्टोन, ठीक है। ये तीन प्रकार के गॉल स्टोन होते हैं। डायग्राम में भी दिख रहा होगा कोलेस्ट्रॉल स्टोन कैसा होता है, पिगमेंट स्टोन और मिक्स्ड स्टोन, आगे चल के हम वो पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखिए इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन पहला क्या है पॉइंट हम लोग का, तो पहला पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो होता है वो ओवल शेप का होता है, राउंडेड होता है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है ये पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। कौन सा बात कर रहे हैं हम लोग, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन में क्या बताया गया है, ये ओवल और राउंडेड शेप का होता है, इसका जो कलर होता है वो पेल येलो होगा और स्मूथ सरफेस होता है इसका, ठीक है। ओवल राउंडेड शेप, पेल येल्लो इन कलर एंड स्मूथ सरफेस। ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है आपका, कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, ठीक है। इसका जो कलर होगा ये पेल येल्लो कलर का होता है, स्मूथ सरफेस होता है, और ये राउंडेड शेप का होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन कैसा होता है। नेक्स्ट है देखिए पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन क्या होता है,
तो ये है स्मॉल, यानी कि बहुत से छोटा होता है और ब्लैक कलर का होता है या तो ग्रीनिश ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। ये क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, या तो ब्लैक कलर में होगा या तो ग्रीनिश ब्लैक कलर में यह पाया जाता है। और ये बहुत सारे, मतलब ये नहीं कि एक दो चार, मतलब बहुत सारे मल्टीपल स्टोन इसमें पाए जाते हैं। ये डायग्राम में देखिए दिखाया गया है, ये आपका क्या है, पिगमेंट स्टोन, ठीक है। ये क्या है, पिगमेंट स्टोन, तो इसको याद रखना है पिगमेंट स्टोन कैसा होता है। तो ये देख लिया आप लोगों ने पिगमेंट स्टोन। फिर देखिए तीसरा जो कि है मिक्स्ड स्टोन, ठीक है। तीसरा टाइप जो है वो है मिक्स्ड स्टोन, यानी कि इसमें 90% कॉमन स्टोन होते हैं, ठीक है। कंटेन कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फेट कार्बोनेट एंड मल्टीपल स्टोन इसमें भी होता है, और दीज आर 90% कॉमन, ठीक है। ये रहा आपका क्या, डायग्राम में दिख रहा होगा, ये है आपका क्या, मिक्स्ड स्टोन, जिसमें 90% जो स्टोन होते हैं वो कॉमन होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स की तरफ, मतलब कि स्टोन होने के, यानी कि गॉल स्टोन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें कारण में देखिए यही बताया गया है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल और बिलरूबिन इन द बाइल, ठीक है। जब कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा बढ़ना, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल या बिलरूबिन इन द बाइल, बाइल में क्या हो, बिलरूबिन का लेवल बढ़ जाए, तो आपका क्या हो सकता है, गॉल स्टोन हो सकता है, यही इसका कॉज है। फिर देखिए लो गॉल ब्लेडर मोर्टेलिटी, ओबेसिटी, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री एंड सर्टेन मेडिकेशन, ये सारे रीजन हो सकते हैं आपके किसके कॉज, किसके कॉज हो सकते हैं ये सब, गॉल ब्लेडर के, ठीक है, गॉल ब्लेडर स्टोन होने के, ठीक है, सॉरी। तो ये याद रखना है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर और क्या क्या कॉज होते हैं जीबी स्टोन के। तो आगे देखते हैं सिम्टम्स, ठीक है, अगर स्टोन हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, अब हम ये देखते हैं। तो देखिए सिम्टम्स की बात की जाए तो पहला है देखिए सीवियर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। नौजिया, वोमिटिंग, फीवर देखने को मिलता है, मतलब कि बुखार होगा। येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज, ठीक है, स्किन और जो आपकी आँखें होंगी वो हल्का पीली पड़ने लगेंगी, ठीक है, जॉन्डिस हो जाएगा। और डार्क यूरिन एंड पेल स्टूल, ठीक है, यूरिन कैसा हो जाएगा, डार्क होगा और पेल कलर का आपका स्टूल हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन में। लास्ट में है देखिए ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में क्या बताया गया है, ट्रीटमेंट में यही बताया गया है कि वॉचफुल वेटिंग, यानी कि मॉनिटरिंग ऑफ द फॉर द सिम्टम्स, मतलब जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर करना है और हमें इंतज़ार करना है क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, कौन कौन से हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट है देखिए मेडिकेशन टू डिसॉल्व स्मॉल स्टोन, मतलब हमें दवाइयाँ लेनी है कि जो छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं वो डिसॉल्व हो सकें। और लास्ट में आपका सर्जिकल मेथड है, यानी कि सर्जरी टू रिमूव द गॉल ब्लेडर स्टोन, जिसे क्या कहते हैं, कोलेसिस्टेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये हो गया आपका गॉल स्टोन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।